हेलो दोस्तों, मैं जीत आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉक टेस्ट 2 कक्षा 8, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या होने वाली है अपनी 60 और समय है प्रति प्रश्न के लिए लगभग 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट 2 से 4 घंटे का पेपर होगा, जो 2 घंटे में पूरा पेपर दिया गया है अपना। यहाँ पर आपको क्या करना है, विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ पर शाला में पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर शाला का नाम, यहाँ विकास खंड और यहाँ जिला। तो देखिए, ये टेस्ट प्राप्तकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ पर अपना कुछ काम नहीं है। तो अपन सीधे चलते हैं अपने टेस्ट के क्वेश्चन एंड आंसर पर। तो मैं यहाँ पर आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सर ही बताएंगे। तो सीधे ये मार्कशीट भरने के लिए आपको बताया गया है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसा भरना है, कैसा नहीं भरना है। अपन क्या करेंगे, अपन सीधे प्रश्नों और उत्तर देखेंगे। इसके बाद अपना पूरा पूरा सॉल्यूशन मैं इस प्रश्न में बताने वाला हूँ। देखिए, ये आपको यहाँ से अपना प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ देखिए हिंदी के दिए गए हैं 1 से 15, गणित है 16 से 30, विज्ञान है 31 से 45, एंड सामाजिक विज्ञान है 46 से 60। टोटल 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं अपने इसमें। तो अपन चलिए सबसे पहले हिंदी के प्रश्न हल करते हैं। तो ये आपको पढ़ना है, इसी के आधार पे आप 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आप चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकेंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT JEE नीट और CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपने क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, तो मैंने पढ़ लिया, आप पढ़ लेना थोड़ा वीडियो को रोक कर, या आपके पास पेपर हो तो उसे देख कर भी पढ़ ले सकते हैं। तो देखिए, दिया गया है अपन को 5 चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। अब अपना यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणियों का सही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा वजन किसका होता है और सबसे कम वजन किसका होता है, उसके आधार पर अपन को लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी, पहले आएगा नीली व्हेल, फिर डायनासोर, फिर हाथी, फिर मगरमच्छ, फिर शुतुरमुर्ग, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना इसका देखिए अगला क्वेश्चन है, केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है, मतलब शाकाहारी प्राणी कौन सा है। इसमें से अपना आंसर हो जाएगा हाथी। और अपना प्रश्न नंबर 3 है, तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन सा, सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी को अपन को देखना है। तो सबसे अधिक कौन सा है, नीली व्हेल, और सबसे कम क्या है, मगरमच्छ। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन से हैं, जल और जन के जो जल में रहते हैं वो प्राणी कौन से हैं। तो इसमें हो जाएगा अपना नीली व्हेल और मगरमच्छ। इसके आगे देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 5 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है, हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है इसमें से, हाथी। तो अपन इसको लिख लेंगे आंसर। इसके बाद देखिए, अपन ना निर्देश दिया गया है, इसके आधार पर अपने अगले क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसको आप टोटल रीड कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा साफ साफ। अब इसके बाद देखिए अपना प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, सूचना में दिए गए शिविर में लिए कौन से व्यक्ति पंजीयन करा सकते हैं। तो ये आँखों के रोग के लिए लगाया गया है, तो अपन आँख संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, शिविर का आयोजन क्यों किया गया है, गांधी जयंती मनाने के लिए, ठीक है ना। नेत्र शिविर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है, मतलब आपकी भूमिका क्या हो सकती है, आपकी भूमिका स्वयं सेवक की हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेत्र शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं, उचित निर्देश क्या हो सकते हैं, कृपया पंक्ति बनाए रखें, अपना पहचान पत्र लेकर आए, 2 और 3 इसका आंसर हो सकता है, ओके। इसके बाद अपना प्रश्न नंबर 10 है, शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन, ये अगला निर्देश आ गया, आपको इसको पढ़ना है, उसी के आधार पर अपने क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ,
ये देखिए अपना प्रश्न नंबर 11 आ गया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण कारण और निवारण, ये इसका उचित शीर्षक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? पर्यावरण संरक्षण की क्या आवश्यक है? सीएनजी से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। बैटरी से चलित वाहनों का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, ये भी ठीक है, पर ये एक नंबर ठीक नहीं है। तो अपन इसका लगा देंगे थर्ड ऑप्शन सही होगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। औद्योगिकीकरण का सबसे अधिक दुष्प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? इसका आंसर अपना होगा महानगरों में। महानगरों में औद्योगिकीकरण के सबसे अधिक प्रभाव देखा जा सकता है। औद्योगिक शब्द बनाने के लिए उद्योग शब्द में किस गद्यांश का प्रयोग किया, शब्दांश का प्रयोग किया गया? ओ। इसके बाद गांव से शहरों की ओर पलायन का दुष्प्रभाव किस रूप में देखा जा सकता है? आजीविका में वृद्धि, अगर आपको खर्चे होंगे तो आप गांव की तरफ भागेंगे, तो अपने खर्चे पूरे करने के लिए, ओके। इसके बाद इसका आंसर है अपना प्रश्न नंबर 5। यहाँ से अपनी गणित स्टार्ट हो जाती है। तो इतने और इतने में रस्सी के प्रतिमूल क्या होगा? इसका आंसर होगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, मैंने सॉल्व करके देख लिया। इसके बाद अपना प्रश्न नंबर 17 है, वर्ग अंतराल दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर बारंबारता दी गई, कितने बार आया है, ओके। तो ऊपर से ये प्रश्न दिया गया है अपना कि ऊपर दी गई तालिका में 250 और 300 की बारंबारता है। देखिए 250 और 300 की बारंबारता 143, तो अपन 143 को टिक कर देंगे। इसके बाद अपना अगला है, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 का मान किस प्रकार समान है? तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, विजय व्यंजक में संख्यात्मक गुणांक क्या है? -1। तो इसमें इसका आंसर ए हो जाएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 10 लड़कियों की ऊंचाई में मापी गई संख्या का परिमाण क्या है? तो आपको क्या करना है, इसमें जोड़ना है और जितने अंक हैं ये उसका भाग दे देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर सी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, आगे देखेंगे तो निम्न परिमेय संख्या में कौन सी परिमेय संख्या बीच में स्थित है? इसके बीच में कौन सी परिमेय संख्या स्थित है? तो इसके बीच में परिमेय संख्या स्थित है बी नंबर की। आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है अपना, प्रश्न 22, इतने में विभाजित नहीं है। तो आप अगर 5 से भाग देंगे तो ये भाज्य नहीं होगी, और बाकी 2, 3, 4 से देंगे तो ये भाग चला जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 23 है, चतुर्भुज के अशून्य कोणों का मान 3 और 2 है। मान से चतुर्भुज के सभी मान कोण होगा 120, 60, 120, 60 हो जाएगा अपना, ओके। इसके बाद अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी बीच में है? बीच में ए संख्या है 1.5, अगर इसको लिखेंगे अपन 125/100, इसमें भाग देंगे तो अपना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना 5/4, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ओके। इसके बाद अपना है 25, एक समद्विबाहु त्रिभुज इतने परिमाण है, तिक से तो दो बराबर भुजाओं का माप योग होगा, तो इसका आ जाएगा अपना 42/15। और ऐसे ही देखियो, अपने ऊपर बताया था एक क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद देखिए, सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना से 2 कम है। तो यदि पुत्र की आयु एक्स है तो सलमा की आयु क्या होगी? तो सलमा की आयु पुत्र की आयु एक्स है तो सलमा की आयु 3x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, और 2 कम है तो -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, यहाँ पर अपन बी नंबर का ऑप्शन टिक कर देंगे, ओके। इसके बाद देखिए इसका 28 है, निम्न में से कौन सा विकल्प अधिक परिमेय प्रदर्शित करता है? तो ए प्लस बी, बी प्लस ए या ए प्लस बी, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया 29 यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन, एक 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले पतले तार को मोड़कर एक आयत बना जा सकता है। यदि इसकी आयत की चौड़ाई 8 मीटर है, तो सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? टोटल 34 है, तो अपन को चौड़ाई दी गई 8, चौड़ाई 8 और 8 निकाल देंगे, आयत ऐसा बनता है, ओके।
ए आठ निकाल दी अपन ने, ए आठ निकाल ली, टोटल 16 निकल गई। तो 16 माइनस कर देंगे, बचेगी अपनी 18। तो 18 में अपन 2 का भाग देंगे तो अपने आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए इसका आंसर है, आपको क्या करना है, इसको इसको जोड़ना है तो ये आ जाएगा अपना आंसर। तो यहाँ पर अपना आंसर इसमें से होने वाला है, तो इसका आंसर होगा अपना डी नंबर। 30 नंबर अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अपन देखते हैं यहाँ से 31। 31 में अपना है, एक नई रोटी, एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढक कर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति, पानी की अनुपस्थिति, प्रकाश की अनुपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। तो यहाँ पर देखेंगे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, डिब्बे में ढककर रख देंगे तो सूर्य का प्रकाश वहाँ पर नहीं जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर अपना 32 है। नीचे दिए गए चित्र में पौधों की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। जिन पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर वाले पौधे की जड़ों में गांठें दिखाई दे रही, और कहीं पर भी अपनों को गांठें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अपन आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 33। एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर पर दूरी तय करती है, बस की चाल ज्ञात करनी है। तो अपन यहाँ पर 90 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा। अगर ये 30 मीटर पर घंटा लगा देंगे तो ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पहेली। पहेली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रख गया और उसने तुरंत वापस खींच लिया, उससे ऊष्मा महसूस हुई, यह संवेदना किसके द्वारा ली गई है? तंत्रिका कोशिका के द्वारा ली जाती है। ओके, भारी वाहन ट्रक टायर के बड़े चौड़े होते हैं, क्यों? दाब कम करने के लिए। ओके, बूझो चूल्हे पर आलू की सब्जी पका रहा है, उसे देखा कि सब्जी पकाने में तावे का बर्तन बाहर से काला हो गया, इसका क्या कारण हो सकता है? ईंधन का अपूर्ण दहन, अगर ईंधन पूरा नहीं जलेगा तो धुआं देगा, इसलिए बर्तन काला हो जाएगा। इसके बाद देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से पढ़िए, इनमें परावर्तित किरण कौन सी होगी? तो परावर्तित किरण और अपतित किरण का मान 1 होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, मतलब आ नंबर का। इसके बाद देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 38 है। एक COVID-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में COVID-19 फैलाने की संभावना सबसे कम है, अगर आप मास्क का उपयोग करेंगे तो कम होगी, ठीक है ना, लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। तो अगले देखिए अपन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 39 है, यानी कि 39 है। नीचे चित्र में कोशिका कौन सा भाग पुलिस की तरह कार्य करता है, यानी कि रोकता है? तो यहाँ पर पुलिस की तरह कार्य करता है कोशिका झिल्ली, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है अपना, निम्न में से ध्यान से बताइए जीवाणु के द्वारा होने वाला कौन सा है? तो हैजा और टाइफाइड जीवाणु द्वारा होते हैं। 41, आपके घर में एक एक्वेरियम जल में मछली पालने का यंत्र है, यदि आपको एक्वेरियम की मछलियों के लिए ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना हो तो निम्न में से क्या कार्य करेंगे? एक्वेरियम में कुछ और मछलियां डालेंगे, एक्वेरियम में कुछ जलीय पौधे डालेंगे, एक्वेरियम में प्रकाश को कम कर देंगे, एक्वेरियम में रंगीन पत्थर डालेंगे, एक्वेरियम में जलीय पौधे डालेंगे। ओके, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन है 42। बुजू ने मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगा दिया, देखा और जानना चाहता है कि चांदी की पतली पन्नी धातु के किस गुण को प्रदर्शित करती है? तन्यता के गुण को। ओके, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 43 है। पेट्रोलियम तथा कोल का निर्माण हुआ है मृत जीवों के अवशेषों, तो जीव पदार्थों से, केवल कीटों के अवशेषों, केवल मृत पक्षियों के अवशेषों से? तो इसमें आ जाएगा मृत जीवों, इसमें आ जाएगा अपना सर देखिए मृत जीवों के अवशेषों से, निर्जीव पदार्थों के अवशेषों, केवल कीटों के अवशेषों, केवल मृत, तो इसमें आ जाएगा मृत जीवों के अवशेष से, ये आ जाएगा अपना आंसर। इसके बाद देखिए नीचे दिया है 44। ये हाइड्रा का चित्र दिया हुआ है, इसमें कलिका द्वारा द्विखंडन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना द्विखंडन, इसमें एक कलिका टूट कर एक नए हाइड्रा का निर्माण करती है। अपना क्वेश्चन नंबर 45 है। नीचे दिए गए चित्र में बल्ब एवं बैटरी के साथ परिपथ आरेख दिखाया गया है,
बिंदु आ और बा को जोड़ने के लिए किस छड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए? लोहे की छड़का, प्लास्टिक की छड़का, लकड़ी की छड़का, रबड़ की छड़का। अगर अपन लोहे की छड़ लगाएंगे तो बल्ब जल जाएगा, और ये प्लास्टिक, रबड़ एंड लकड़ी जलाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, यानी 2019 में आम चुनाव में लगभग 150,000 पेड़ों को बचाया जा सका, इसका संभव क्या कारण हो सकता? इलेक्ट्रिक मतदान मशीन का उपयोग किया इसलिए पेड़ों का बचाव हो सका। कौन सी दो गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक हैं? वायुमंडल में सर्वाधिक गैसें कौन सी हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें अपन बी आंसर टिक कर देंगे। इसके बाद आगे का अपना है 48, इनके 48। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। ओके, इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद गए थे बाहर। निम्न में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है? यह सप्ताह में एक दिन संचालित होता है, ये इसकी खास बात है। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 50 है, छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुतायत से उगाई जाती है? तो यहाँ पर अपन लिख देंगे क्या, धान यानी कि चावल। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारतीयों को डराने के लिए, अपने कर्मचारी को नीति कुशल बनाने के लिए, अधिकारियों का मान बढ़ाने के लिए, शासन अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए। इसके बाद देखिए दिसंबर को अपना क्वेश्चन नंबर 52 है, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, इस समय भारत रेखा का ऑस्ट्रेलिया की कौन सी ऋतु में समान होती हैं? देखो दिसंबर में क्या होता है अपने यहाँ पर, ठंडी होती है, तो यहाँ पर लेंगे अपन शीत ऋतु होती है अपने यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में होगी ग्रीष्म ऋतु, तो लगभग लगभग समान ही होती हैं। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है, यहाँ पर देखेंगे अपन सी नंबर आंसर हो जाएगा अपना। इसके बाद मान लो आपके पिता ने 2 माह पूर्व सीने पीने के पानी का कनेक्शन लिया, आवेदन दिया, परंतु अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। निम्न में से कौन सा अधिकार आपको है जानने का? संबंधित विभाग आपके आवेदन पर कदम उठाए, सूचना का अधिकार। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 54 है, मध्य प्रदेश के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिन्होंने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी कांड में बम फेंका था, जो कि अल्फ्रेड पार्कर ने खुद को गोली मार ली थी। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 55 है, मेरे पिता हमेशा सफ़ेद ढीले कपड़े पहनते हैं और सिर पर सफ़ेद रुमाल काफिया बांधते हैं ताकि कान हमेशा ढके रहें। माँ भी पूरे ढकी हुई पोशाक पहनती है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ सबसे क्रियाशील रहती है शुष्क पवने से अपन को देखती है बोर रहता है कि अपन को मतलब गर्मी हो जाती है, फिर ठंडी महसूस होने लगती है। महलवाड़ी अवस्था लागू की गई थी अवध क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में, चेन्नई क्षेत्र में एंड कर्नाटक में। महलवाड़ी कहाँ की गई थी? कर्नाटक में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सेना पुनर्गठन से क्या हुआ? भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाना। इसके बाद अपना है संयुक्त राष्ट्र के अंग न्याय परिषद का मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अवलोकन कीजिए। देखिए फेरियम तथा निकिल, फेरियम एंड लोहा और निकिल की प्रधानता कहाँ होती है? तो कम ऊंचाई में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चट्टानों का बिना किसी रासायनिक, यहाँ पर अपना लास्ट क्वेश्चन है, चट्टानों का बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना क्या है? जैविक अवक्षय बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के। तो यहाँ पर अपना ये टेस्ट पेपर ख़त्म होता है, और आपको इसकी PDF फाइल चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जीत फॉर यू ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर मिल जाएगी आपको इसकी PDF फाइल। मैंने अपने ही अपलोड कर दी है, तो आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप वहाँ पर नहीं ढूंढ पाते हैं तो मेरे को वीडियो में कमेंट करके बता देना कि मेरे को फाइल नहीं मिल रही है, तो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, तो आप मेरे से डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती है ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।